फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी में क्या क्या नया होने वाला है और जो चेंजेज आने वाली है उसका क्या इफेक्ट टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ेगा, उससे रिलेटेड यह वीडियो हमने तैयार किया है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सभी चेंजेज को अच्छी तरह समझकर उससे रिलेटेड कंप्लाइंसेज को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला चेंजेज यह आने वाला है कि अब आपको GSTR 1 के फाइलिंग में एचएसएन कोड को मेंशन करना होगा। यदि आपका ATO प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये तक था तो अब आपको B2B सप्लाई के केस में HSN कोड के 4 डिजिट को GSTR 1 के टेबल 12 में मेंशन करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए गए गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई के केस में HSN कोड को मेंशन करना आपके लिए ऑप्शनल है। वहीं जिस टैक्स पेयर्स का ATO प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से अधिक था, उन लोगों को टेबल 12 में B2B और B2C दोनों तरह के सप्लाईज के केस में HSN कोड के 6 डिजिट को मेंशन करना होगा। फ्रेंड्स, दूसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि अब किसी टैक्स पेयर्स का 2017-18 से शुरू करते हुए पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ATO 50 करोड़ रुपये से अधिक हुआ तो उसे अब अनिवार्य रूप से इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जनरेट करना होगा। यह इनवाइस B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट के केस में एप्लीकेबल होगा। वेयर एज रूल 54 के सब रूल 2, 3, 4 और 4A में आने वाले टैक्स पेयर्स को इनवाइस जनरेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि 1 अप्रैल से वह टैक्स पेयर जिसने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है अपना पहला GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करेगा। GSTR 1 का ड्यू डेट 11 अप्रैल है, वहीं GSTR 3B का ड्यू डेट स्टेट्स स्पेसिफिक है। कुछ स्टेट्स के लिए यह 22 अप्रैल तो कुछ स्टेट्स के लिए यह 24 अप्रैल होगा। QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करने वाले टैक्स पेयर्स पहली बार अपना GSTR 1 फाइल करेंगे जिसमें उन्हें उन सभी B2B ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स फर्निश करने होंगे जिसे उन्होंने इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा फर्निश नहीं किया था। साथ ही अनरजिस्टर्ड पर्संस को किए गए सप्लाई के डिटेल्स को भी GSTR 1 में फर्निश करना पड़ेगा। जहां तक GSTR 3B के फाइलिंग की बात है तो आप QRMP स्कीम के तहत पहली बार GSTR 3B क्वार्टरली सबमिट करेंगे जिसमें आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। ITC के अवेलमेंट के लिए आपको जितना ITC 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है उसका प्रोविजनली 105% तक आप अवेल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका कुल अवेलमेंट जितना ITC आपको मिलना है उसके 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको आउटपुट टैक्स के पेमेंट में सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि आपने सेल्फ असेसमेंट के आधार पर जनवरी और फरवरी महीने के लिए टैक्स का पेमेंट किया है या आपको कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ा क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में सफिशेंट बैलेंस था, तो अब आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सेट ऑफ में ITC का यूज करेंगे। साथ ही आपको रूल 86B के रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त 2019-20 के लिए जिस टैक्स पेयर्स ने अपना GSTR 9 और GSTR 9C 31 मार्च 2021 तक फर्निश नहीं किया है उसे 1 अप्रैल से लेट फीस देकर अपना एनुअल रिटर्न और रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा, क्योंकि 2019-20 के लिए GSTR 9 और GSTR 9C फर्निश करने का एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 मार्च 2021 तक ही है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।